बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल बेगेपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। और अज असी पढ़ांगे क्लास 8 की फस्ट चैप्टर तो बाद जी नैक्सट सैकंड चैप्टर आ दैट इज़ ए पोएम। द नेम ऑफ पोएम इज़ ट्रू ग्रोथ एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाई बेन जॉनसन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बेन जॉनसन ऑन योर स्क्रीन। सो बेन जॉनसन नहीं बोलना, BEN बेन JONSON बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इंग्लिश राइटर सीगे और 16वीं सदी के लास्ट के इन्हों का इंग्लैंड दे विच जन्म होया ते इंग्लैंड दे विच ही इन्हों की मौत हुई। सो आओ असी इन्हों की लिखी हुई एक पोएम जिहड़ी आ ट्रू ग्रोथ उन्हूं पढ़ते हैं, फिर वो बारे असी गल्लां बातें करते हैं। सब तो पहला असी ट्रू ग्रोथ का जड़ा रीडिंग है वो करांगे। और इस नूं स्टार्ट करन तो पहला मैं आप जी नूं बेनती कर दिया कि जिन्हां ने भी अज तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहला चैनल सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करो। थैंक यू। सो बेन जॉनसन पोएट जड़ा वो सानूं ट्रू ग्रोथ की आ उहदे बारे दसदे आ। असल दे विच ट्रू ग्रोथ है की कहिंदे, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ट्रू ग्रोथ इज़ नॉट ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इन बल्क डॉथ मेक मैन बैटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सिल। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. So ये जड़ी poem इदे विच poet ने सानू की कहने की कोशिश की आ जां की कहा ते असीं की समझिया उहदे बारे असीं जिहदा सेंट्रल आइडिया उहदी डिस्कशन करांगे। कि बेन जॉनसन ने दस्या कि असल च ट्रू ग्रोथ है की आ, क्योंकि समाज दे विच साडी आम तौर पर धारणा यह है कि जिहड़ा भी इंसान जिहड़ी भी चीज़ लोंग लाइफ जिहदी भी हैगी आ, जिहड़ी चीज़ ज़्यादा हंडणसार आ, शायद वह चंगी हुंदी आ, वह ज़्यादा वैल्यूएबल हुंदी आ। परंतु कवि कहिंदा कि जरूरी नहीं कि जिहड़ियां चीज़ां ज़्यादा लंबियां लंबे समय तक रहने वाली ने वह यूजफुल होणगियां, ऐसी कोई गल नहीं। हो सकता कोई एक छोटी जी चीज़ जिहदी बिल्कुल एक दिन की लाइफ होवे वह सानूं उन्नी खुशी ज़्यादा दे देवे, बजाय इसदे कि कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी 200-300 साल तक रहने वाली चीज़ आ हो सकता सानूं खुशी ना देवे। जिवें कोई एग्जाम्पल दित्ती है, कहिंदे एक रुख वांगू वधे जाणा बहुत लंबी उम्र तक, जिवें एक ओक दा रुख जिहड़ा वा वह जिवें 300 कहिंदे 300 साल उहदी उम्र हुंदी आ, पर अखीर ते की करदा उहदा कुछ भी नहीं मिलदा इंसान नूं। एक सुकी लक्कड़, यूजफुल लक्कड़ तों इलावा पत्तियां तों रहत जिहड़ी लक्कड़ रहि जांदी उहदी, इस तों इलावा उहदी कोई होर वरतों नहीं हुंदी। सो इह नहीं कि जेकर उह 300 साल तक रहण वाला रुख आ ते शायद उहदे सानूं उह सानूं बहुत ज़्यादा खुशी देवेगा, बजाय इस दे कहिंदा ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर फॉर इन मे, कि जिहड़ा एक छोटा जिहा फुल आ सिर्फ एक दिन के लिए जिहड़ा वह उस खिड़दा ते शाम नूं उस रात ही मुरझा जांदा वह फुल। जिवें कि आपां नूं सारिआं नूं पता कि छोटे साहिबजादिआं ने अपनी बहुत छोटी उम्र के जिहड़ा शहीदी प्राप्त की, और ऐसे भी संसार के लोग है जिन्हां दी उम्र 100-100 साल तक रही होगी, 110 साल तक भी रही होगी, 80-90 साल तक रही होगी, वह ऐसे भी बहुत लोग है ने इन्नी उम्र भोगण के बावजूद भी उन्होंने दी समाज में कोई देन नहीं हैगी। परंतु छोटे साहबजाद उदाहरण लै लो, तुम करतार सिंह सराभा की उदाहरण लै लो, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र के बड़े व्डे व्डे मारके मारे, व्डे व्डे उन्होंने कुरबानियां कीतियां। सो उन्होंने जोड़े छोटी उम्र के हुए काम ने वो ज़्यादा बैटर ने, ज़्यादा महान ने, बजाय उन्होंने जिन्होंने सारी उम्र 100 साल की उम्र बतीत करके भी समाज के लिए एक किसी प्रकार की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं की। इस तरह ही कहता पोएट भी कहता, कहता ए लिली ऑफ ए डे इज़ फॉर फेयर फॉर इन मे ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट।
एक लिली का फुल एक दिन लिए खिड़ता तो किन्या लोगों को खुशी दे जाता, एक इंटरनल एनलाइटनमेंट दे जाता, किन्नी खुशी दे जाता, भावें कि वह फुल ने एक दिन ही रहना हुंदा, परंतु उन्हूं वेखण वाला अंदरों सचमुच खुश हो जाता। इन समाल पुरश प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, असी ब्यूटी नूं सुंदरता नूं छोटी छोटी चीज़ों विच्चों भी वेख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेयर्स लाइफ मे परफेक्ट बी, जिंदगी नूं परफेक्ट होण दे लई जिंदगी लंबी होनी नहीं चाहिए, जिंदगी दा परफेक्ट होण दे लई जिंदगी छोटी भी हो सकती है, परंतु छोटी वड्डी दा इहदे च कोई चक्कर नहीं है, जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए चाहे वह छोटी भी हो। सो ये सी कवि की भावना जिहड़ी उहने कही है, जिस तरह आपां समझी है। और इस जिहड़ी पोएम है इहनूं बेन जॉनसन ने लिखिया, जिहड़े बच्चे इस चैनल नूं वेख रहे आ, इस पोएम नूं स्क्रीन ते वेख रहे आ, वो बकायदा इहनूं इहदा एक वारी रीडिंग भी करन, ते इहदे जिहड़ा सेंट्रल आइडिया उहनूं कापी ते अपनी ते नोट जरूर करन। इहदे कुछ एक एक्सरसाइज आपां करदे आ तां कि सानूं जिहड़ी पोएम जिहड़ी आ इहदा होर डीपली जिहड़ा इहदा समझ लग जाए। हाँ, पहला वर्ड्स जड़े ये यूज़ किए गए आप बारे वेख लीए कि बल्क बल्क नूं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे विच इन लार्ज साइज इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ लैनी होवे जां देनी होवे उन्हें कहिंदे इन बल्क, बहुत सारे मात्रा दे विच कोई चीज़ लई आ। सो उहदा बल्क दा मीनिंग है लार्ज साइज और वैल्यूम, इट इज़ ऑलवेज चीपर टू बल्क टू बाय इन बल्क, कट्ठियां चीज़ों लिए तो सस्तियां पै जांदियां। इहदा मतलब यह है बाल्ड का मतलब जिहदे जिहड़ा कोई गंजा होवे परसन उहनूं बाल्ड कह देंदे आ, जिहड़ा कोई रुख जिहदे उत्ते पत्ता ना रहे उहनूं बाल्ड कह देंदे आ। सो नैक्सट हैगा एट लास्ट, अखीर दे विच इन द एंड फाइनली सीयर ड्राइड अप, जिहड़ी डिकेड जिहड़ी कोई चीज़ सुक के जिहड़ी हो जाए यूजलैस हो जाए, Who would care for a poor sear old man? कौड़ा बंदा उस गरीब जड़ा हैगा वा जिदी हुण कोई वैल्यू नहीं रही उहदी कौन केयर करेगा। प्रपोर्शनस रैलेटिव साइज और एक्सटेंट, प्रपोर्शन निक्कियां निक्कियां असी मैथमैटिक्स दे विच जिहड़े बच्चे जाणदे उहनूं पता हैगा कि अनुपात दे विच जिहड़ी गल करनी आ उहनूं असी प्रपोर्शन दे कहांगे, वाटर कवर्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। So these were the main difficult words and their meanings. ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੋ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਚੂਜ਼ ਏ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਕਸ ਟੂ ਫਿਲ ਇਨ ਈਚ ਬਲੈਂਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। This is the central idea of the poem and ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਦਾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 and 8। सो पोएम दे विच जो पोएट ने कहने की कोशिश की आ, जो असी समझी आ उन्हूं असी वेखदे हाँ कि की उहदे अकॉर्डिंग असी सेंट्रल आइडिया जिहड़ा दे सकदे हाँ। सब तो पहले कहिंदा दिस पोएम हैज़ ए डैश मीनिंग, मतलब कि इहदा एक डीप मीनिंग है, जी डूंगा मतलब है। इन इट द पोएट सेज दैट ए शॉर्ट लाइफ ऑफ डैश एंड परफेक्शन फार बैटर दैन ए लोंग बट यूजलैस लाइफ लाइफ ऑफ ब्यूटी, सुंदरता तो परफेक्शन की जी लाइफ आ वो ज़्यादा बैटर आ बजाय इसके कि यूजलैस ज लंबी जिंदगी नालों। एंड ओक लिवज फार 300 का इतने करेंगे 300 साल तक का ओक का जोड़ा रुख आ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਇਟ ਫਾਲਸ ਡਾਊਨ ਐਜ ਲੀਫਲੈਸ ਐਂਡ 4-log of wood ਐਂਡ ਯੂਜਲੈਸ
लॉग ऑफ वुड, लकड़ के टुकड़े तो वध कुछ भी नहीं रह जाता। ऑन द अदर हैंड दूजे पासे ए लिली लिव्स डैश फॉर ए डे ओनली ओनली फॉर ए डे, सिर्फ एक दिन लई लिली का फुल जिहड़ा उह रहिंदा। इट हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ, यदि बहुत छोटी जिंदगी होंगी, बट इट लिव्स ए लाइफ ऑफ परफेक्शन, संपूर्णता की जिंदगी जीता, जिनी भी होंगी ना संपूर्ण होंगी, चाहे छोटी सही पर वो पूरे परफेक्ट जिंदगी जीता, एक दिन भी जरा अजय ही नहीं जाता। इट गिवस जॉय टू बी होल्डर द पोएट सेज दैट द शॉर्ट लाइफ ऑफ ए लिली इज फार फार बैटर, यस इज फार बैटर, इज फार बैटर दैन द लोंग लाइफ ऑफ एन ओक। लाइफ कैन बी परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल इन शॉर्ट मेजर्स, यस शॉर्ट मेजर्स, बस छोटिया छोटिया चीज़ों के भी जिंदगी जी परफेक्ट हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है। जरूरी नहीं कि चीज़ा जिंदगी वड्डी होवे तो फिर ही उस खुशी मिलेगी, छोटी जिंदगी दे विच भी खुशी मिल सकती है। सो दैट वॉज द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ ट्रू ग्रोथ। यू मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स, एंड नेक्स्ट वी विल डू ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। देर आर सम स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू चूज विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। सो टू बी परफेक्ट वन मस्ट हैव ए लोंग लाइफ, परफेक्ट होने लिए लोंग लाइफ होनी चाहिए है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैं इतने क्रॉस लगा दिना, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एंड ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, यस सपोज दिस इज ट्रू। मेयर लोंग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट, जिंदगी जड़ी लंबी आ सिर्फ ओ ही बंदे नू ग्रेट नहीं बनाती। सो दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट, मेयर लोंग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट। रियल ब्यूटी कैन नॉट बी सीन इन समॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, कहिंदा कि रियल ब्यूटी कैन नॉट बी सीन इन समॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि समॉल ऑब्जेक्ट्स के विच भी असी रियल ब्यूटी देख सकते हैं। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स, नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ, जिंदगी कितनी लंबी है यदि इसका कोई मतलब नहीं, जिंदगी कितनी चंगी है तुसी समाज लिए की कर रहे हो, दैट थिंग डज मैटर। सो कहिंदा इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स, नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ। सो दिस इज अगेन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो ये अज का जिहड़ा साडा चैप्टर ट्रू ग्रोथ पोएम लिखी सी बेन जॉनसन ने, और यदा आपां सेंट्रल आइडिया भी किया, पोएम नूं पढ़िया भी आ, तुसीं इहदे वर्ड मीनिंग भी जिहड़े ने उह भी नोट करके याद करने। बकायदा 8th क्लास का सैकंड चैप्टर जिहड़ा आपां कंप्लीट कर लिया, सेंट्रल आइडिया जिहड़ा तुसीं अपनी अपनी नोटबुक्स के उपर लिखना एंड इहनूं लर्न भी करना, एंड बाकी जिहड़ी आपां कीती आ एक्सरसाइज इहनूं भी कंप्लीट करना। सो अज दे लैसन दे विच इन्ना ही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।